आज 70 सालों के बाद सरसा के कितने बुरे हालात हैं आज ये जाहिर हो रहा है। वार्ड नंबर 3 और इसके साथ का लगता क्षेत्र है जिसके अंदर आनंद विहार कॉलोनी, शक्ति नगर की गलियां, शिव मंदिर के आसपास का क्षेत्र, डाणी, पंडतोवाड़ी, वहाँ पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। जिला प्रशासन हर साल करोड़ों रुपया सरसा के विकास के नाम पर खर्च कर रहा है लेकिन एक मूलभूत वस्तु जीवन की पानी, और हमारी सरकार, हमारा प्रशासन जनता को पानी तक उपलब्ध नहीं करा सका है। वहाँ काफ़ी क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन ही नहीं है। अगर पानी की पाइपलाइनें हैं तो वहाँ नज़दीक वाटर बक्स है, उसके साथ उसको जोड़ा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से या तो ज़मीन का खारा पानी ट्यूबवेल के द्वारा जिसकी सप्लाई है वो पीने को मजबूर हैं। सोरे वाला खारा पानी पीने से कई तरीके की बीमारियाँ इन लोगों के बीच अक्सर होती हैं, और या ये खरीद कर पानी पी रहे हैं। आज वार्डवासियों के साथ आम आदमी पार्टी उपायुक्त महोदय जी को मांग पत्र दे रही है कि जिन क्षेत्रों के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है उनको वाटर बक्स के साथ जोड़ा जाए, और जिन क्षेत्रों के अंदर पानी की पाइपलाइन नहीं है वहाँ पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएँ। क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा पिछले साल दावा किया गया था, बड़े बड़े दावे किए थे कि 167 करोड़ रुपये का किया है। आज वही पर्सन सबके सामने है कि वो विकास कहाँ है। काफ़ी सड़कें वहाँ बनाई गई, सिर्फ सड़कें ऊपर से बनाई हुई हैं, नीचे पानी की लाइन, सीवर की लाइन कोई व्यवस्था नहीं है। आज ये लोग उसी चीज़ को लेकर आए हैं। तो मेरा निवेदन है कि वार्ड वासियों से भी आप बात करें कि उनकी जो कॉलोनी आप बता रहे कि ये कॉलोनी अथॉराइज्ड है क्या? सर, जब इनके वोट अथॉराइज हैं, आज वोट नगर परिषद के वोट होंगे, विधानसभा के वोट हो रहे हैं या आगे लोकसभा के वोट हो रहे हैं, सरकार घोषणा कर दे कि ये अनुथाई क्षेत्र है और हमें आपके वोट भी नहीं चाहिए। जब इन लोगों का टैक्स सरकार को चाहिए, इन लोगों के वोट सरकार को चाहिए, इनके टैक्स के पैसे से सरकार चल रही है, इनके वोटों से सरकार बन रही है, तो क्षेत्र अथॉराइज और अनऑथराइज की परिभाषा क्या है? पाइपलाइन जब से 2016 से भी इन्होंने दरख्वास्त दी थी और उसके बाद ये लगातार दरख्वास्तें दे रहे हैं। जो भी नेता इनके क्षेत्र में जाते हैं उनके सामने ये मांग रख रहे हैं, लेकिन चुनाव के अंदर वायदा भी किया जाता है, घोषणा भी की जाती है, फिर अगले चुनाव तक कुछ भी नहीं किया जाता। 6 साल का समय हो चुका है, आप बता रहे हैं पाइपलाइन नहीं है, तो 6 साल तक फिर कैसे गुजारा, कैसे हो रहा था? तो वो बताया जा रहा है ना कि कुछ क्षेत्रों में पाइपलाइन है, वहाँ पर ट्यूबवेल का खारा पानी सप्लाई होता है, और जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन नहीं है वहाँ लोग मजबूरी में पानी खरीद के पी रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? सिल्ला नाम है जी। कब से ये दिक्कत आ रही है आपको? 50 साल हो गए जी, देखते नहीं है हमने, पानी की दिक्कत है। हाँ, मैं पुलिस लाइन से नहीं, कचेड़िया से पानी ले लेके जाते, हमारे सिर के बाल उड़ के पानी ढोडो के। तो अधिकारियों को भी आपने कहा कि पानी कया वोटा के टाइम पर सारा कह दे भी हम पानी ले आ जाएगा, पानी आ जाएगा, अब फिर बाद में नहीं पूछते। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह जी, पूरा मामला क्या है? पानी की सब दुख सारे। कब से ये दिक्कत आ रही है? ये तो हम आगे बैठे जब की दिक्कत आ रही है। कब आगे बैठे? उन्होंने 7-8 साल सारे बोर्ड वगैरह सारे इधर बनने, पानी हमारी बहन है, माता है, गुजरी भी है, वो पानी 2-5-10 किलोमीटर से लाती, 10 किलोमीटर दूर से। वजह क्या है, क्यों पानी नहीं आ रहा, क्या वजह क्या है? आपने अधिकारियों से बातचीत की होगी, कुछ अधिकारियों ने बताया सर आपको? ट्यूबवेल दे रहे पानी है, खारा पानी का, वो पीते बीमार पड़ते सभी, कपड़े धोते नहीं, साबुन ले जाते हो कपड़े में दौड़ा दौड़ा लग जाता है। तो आपके एरिया में कितने परिवार हैं सर, आपके एरिया में? हमारे एरिया में कितना कम से कम परिवार जी, छोटे बड़े 450-450 घर बने जी उत्थे। ते जदों वोटा लैनियां जी उस टाइम ते कह देंदे आ जी ताडी 10 दिन बाद अहीं पाइपलाइन बिछा के तुहानूं मिठा पानी दे देंगे। जदों वोटां चले जांदियां असीं मगर चक्कर कटदे जी अफसरां दे, सानूं इक्को जवाब दित्ता जांदा जी ना ते पाइपलाइन आ साडे कोले, ते इह ताडा एरिया बहुत उच्चा पैंदा जी, पानी दी इत्थे व्यवस्था कोई नहीं हो सकदी। अब जाके देखो जी 3 बजे आऊगा पानी जी सप्लाई, बुढ़िया घड़ियां लै के इत्थे इत्थों पानी लैके जांदियां कचहरी तों, ते सब राजनीति करदे जी वोटां टाइम ते, मुड़ के सानूं कोई नहीं पुछदा। आके जाके देखो जी बुरा हाल आ, ना कोई सीवर लैण आ, ना कोई पानी आ जी, सानूं ते कलोनी वसी नूं जिन्ना चिर ही हो गया असीं ते अजे धक्के खाई जांदे। जो कहिंदे वी जिधरों सानूं फोन आ जांदा जी असीं उधर ही काम करदे आ, जिधर सरकार वाले कहिंदे दूजे पासे असीं करदे नहीं। 3 नंबर वार्ड पैंदा सर।